इस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, अपूर्व चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ उन्होंने देखी हैं। सर, आप पहले भी आए थे, पहले भी आपने देखा, इस बार आपने क्या परिवर्तन देखा, किस तरह की तैयारियाँ? हाँ, मैं यहाँ पर लगभग 8-10 महीने पहले आया था, उसके बाद से अब तो यहाँ पर पूरा उत्साह का वातावरण है, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए 24 तारीख से खुलेगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक यहाँ पर इसका जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो देखने को वो लाजवाब है। और जो आज भी आया, एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और आईएनबी डिपार्टमेंट दोनों की व्यवस्था देखने को, क्योंकि यहाँ मोटी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, पूरे देश से अंतर्राष्ट्रीय भी आएंगे, तो उनकी हेल्थ की किस तरह से व्यवस्था है, कहाँ क्या यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इमरजेंसी रिस्पांस किस तरह से होगा, ये भी देखा। किस तरह से तैयारियाँ हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जन जन तक इसको पहुँचाने की? सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। दूरदर्शन की तो आज जो है पूरे CEO से लेकर दूरदर्शन की पूरी टीम है यहाँ पर, तो दूरदर्शन ने तो डायरेक्ट टेलीकास्ट का 15 तारीख से पूरी व्यवस्था करी है। 22 तारीख को जो है पूरा कार्यक्रम का देश में विदेश में पूरी तरह से दूरदर्शन उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दूरदर्शन की एक अनूठी पहल है HIE समाचार, तो क्या उसके जरिए भी यहाँ पर जो दर्शक हैं या जो दूरदर्शन के उस तरह के दर्शक हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है? हाँ, क्योंकि राम तो पूरे देश के में उनकी लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे, राम मंदिर के अंदर जो कार्य हो रहा है, और उस पर दूरदर्शन ने बहुत ही अच्छी पहल करी है कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं सबके लिए इसका ख्याल रखा जाएगा। दूरदर्शन की तो बहुत बड़ी टीम यहाँ पर रहेगी, मुझे जो बताया गया कि लगभग 200 से 250 दूरदर्शन के कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे, कैमराज लगभग 38 से 40 कैमरा रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे आएंगे और जैसा उनका जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा उसका पूरा, बाकी जो लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका भी, उनको भी कवरेज, और यहाँ जैसे अब ये राम की पैड़ी है यहाँ का कवरेज, जो भी महत्वपूर्ण सारे सबका कवरेज यहाँ से लाइव रहेगा। कैमरामैन योगेश के साथ रमा त्यागी, DD News अयोध्या धाम।